लखने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी 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 जी, अरे शकील साहब देखिए, हमारे जो माल की क्वालिटी है ना वो अलग ही है, जब ही तो पैसे हैं। हाँ, इसी बात के पैसे हैं सर। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, लेट की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, पहुंच जाएगा। चले ठीक है, टाइम पे पहुंचेगा। ओके बॉस, डन हो गया, डन। ओके बॉस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह जाने जाने, एक मुसीबत आ रही है। कौन सी गाड़ी से? गाड़ी से आ रही है या फ्लाइट से, लेकिन आ रही है। अरे मेरा मतलब है, कौन आ रहा है? बच्चों के दादा आ रहे हैं। हैं? दादा अभी तक जिंदा है? पता नहीं भाई। अरे बाबा जानी। हाँ? वो मेरे दादा सही आ रहे हैं बाबा, जरा घर का ख्याल रखना, गुस्से के बड़े तेज हैं। अरे दादा आ रहे हैं या दादागिरी करने आ रहे हैं? बाबा पुराने ख्यालात के आदमी हैं, बस उनका ख्याल रखना। अच्छा बच्चों ये बताओ कि वो कितने दिन रुकेंगे यहाँ? बाबा उनके आने का तो पता है, जाने का नहीं पता है। चलो खैर है। अच्छा एक बात बताए बच्चों भाई, कौन से कमरे में ठहरेंगे वो? एक काम करो बाबा, हमारा वाला दे दो। हमारे वाला? मैं कहाँ सोऊंगी? नहीं नहीं, हमारे वाला नहीं, वो जाने के कमरे में सो जाएंगे। तो मैं कहाँ सोऊंगा? अरे बाबा कोई बात नहीं, जरा सा सेटिंग कर लो उनके साथ। अच्छा खैर चलो बड़े हैं, मैं कुछ देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ, इंतजाम देखूंगा। ये वाला साहब साहब, ये भी ठीक है। इस वाले क्लाइंट को भेजना। ये क्लाइंट, ये बहुत, ये पैसे में जरा कंजूस है, मैं कुछ करता हूँ उसके पैसे तरह। अरे पापा, अरे ये घर का किचन है या डाक बंगले का किचन है? अरे जरीना, क्या ढूंढ रही हो? हाँ, फुटबॉल ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। किचन में फुटबॉल? दिमाग तो ठीक है जानी बला, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना, खाना ढूंढ रही हूँ किचन में, और क्या ढूंढूंगी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हर वक्त बदतमीजी से क्यों जवाब देती हो? जबान फिसल जाती है। जबान पे ना मोजे पहन लो। अरे जानी बाबा। हाँ? वो दादा जानी आ रहे हैं ना, तुम्हें पता है, तो खाने वाने का इंतजाम देख लेना, उनको तकलीफ ना हो। मैदे की होगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है ज्यादा खाएंगे तो मैदे में तकलीफ होगी ना। अरे अदा कौन आ रहा है? अरे अदी वो दादा सही आ रहे हैं। अरे बाबा कब आ रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे बाबा ये नहीं पता के कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनको यहाँ के रास्ते का पता है? अरे बाबा नहीं मालूम तो पूछ के पहुँच जाएंगे, हमारा खट्टा मीठा हाउस बड़ा मशहूर है। जानी मेरी बात सुनो, देखो दादा आएंगे सामने ना, तुम मेरी बेइज्जती नहीं करना, मेरी इज्जत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, दादा है या फिल्म स्टार है? ए हल्लन चुप कर। अच्छा बाबा जानी जरा देख लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ, सब संभाल लेना बाबा। ठीक है। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बाबा क्या हो गया? खबरदार जो कोई गलत बात की हो तो मैंने तो कोई अभी बात ही नहीं की। मतलब हम इस काबिल भी नहीं रहे कि कोई हमसे बात करे है? अरे बाबा कौन हो आप, अब क्या हो गया? अरे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ है बच्चू, उसको बोलो कि उसका दादा उसके बाप का बाप आया है। दादा, अब क्या हो गया? दादा ही हूँ, कोई फिर्ज तुम्हारे सामने नहीं करा बाबा। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, अब क्या कर दिया मैंने? इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, क्या अंदर तुम मुझे लेके नहीं चलोगे क्या? आइए आइए। हाँ चलो। और शेरियार भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है। अल्लाह के एहसान है। शरियार भाई एक काम पड़ गया आपसे। बोले? एक 500 रुपए चाहिए। अबे अपने हालात से नहीं यार, जाए अपना काम करें यार, कभी तो दे दिया कर यार। अरे दादा भाई अस्सलाम वालेकुम।
अरे दादा साई, क्या हो गया दादा साई, कोई बात बुरी लगी है क्या? अरे बाबा तेरे को क्या पता कि मुझे यहाँ आने में कितनी दुश्वारियाँ पेश आई हैं, तू मुझे लेने क्यों नहीं आया? अरे दादा साई मुझे क्या पता कि आप कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं बाबा? अब क्या हुआ दादा साई? अरे अपनी बोले जा रहे हो, लड़की का बच्चे का बच्ची का इसका तारीफ नहीं कराओगे? दादा साई ये मेरी बीवी है सीमा। अब क्या हुआ दादा साई? अरे शादी कर ली, मुझे तुमने बताया तक नहीं है, क्या बात है बाबा ये? वो दादा साई जो कुछ भी हुआ ना बहुत जल्दी में हुआ। लड़की समझदार लगती है। नाम क्या है बाबा? सीमा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हाँ जी जी, जीतती तो मैं रोज ही हूँ। बाबा क्या खेलती हो? बच्चों के साथ मगजमारी खेलती हूँ और जीत भी जाती हूँ। बाबा ये बात इसकी मैं सुनकर तुम्हारी दादी याद आ गई मुझे। अच्छा वो कैसे? वो ऐसे कि वो भी मुझे अपनी उंगलियों पर इस तरह से नचाती थी, लेकिन अब मैंने जो है ना नाचना छोड़ दिया। वो क्यों? अरे बाबा उसकी उंगली टूट गई थी ना, गिर गई थी ना। अच्छा 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 अच्छा, दादा साहब एक बात बताएं, दादा साहब खाने में क्या खाएंगे? अब क्या हुआ दादा साहब? दो जूते लाओ मैं खाऊंगा। ये भी कोई पूछने वाली बात है कि क्या खाओगे? दादा साहब मैं भी देखती हूँ किचन में खाने का कुछ। पचाया ही नहीं होगा मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाहर की सफाई भी करो, घर की सफाई भी करो, हर तरफ काम ही काम। या अल्लाह कोई ऐसा तरीका बता घर में बैठे बिठाए मुझे पैसे मिल जाए आराम सुकून से। अस्सलाम वालेकुम। पखर रख ले, जोर तकड़े या खुशहाल खान खटक दे। जानी भाई कैसा है तुम? वालेकुम सलाम खान साहब, वालेकुम सलाम। लेकिन हालात बहुत बुरे चल रहे, बहुत बुरे। क्यों क्या हो गया? एक बात की समझ नहीं आ रही। वो क्या? अगर मगरमच्छ बिल्ली से शादी कर ले तो बच्चे क्या मगरमच्छ के होंगे या बिल्ली के होंगे? वह बच्चा किसी का भी हो लेकिन होगा जानवर का ही। एक बात की और समझ नहीं आ रही, अगर बिल्ली बकरे से मंगनी करना चाह रही है तो बकरा मान जाएगा? वह बकरा अगर अच्छे घर का होगा तो जरूर मान जाएगा, वरना गन करेगा। बो, बो। एक और बात बताएं, शेर अगर बिल्ली को शादी की ऑफर करे तो बिल्ली को हाँ करनी चाहिए या ना? वह एक मिनट रुको, रुक जाओ, सबर करो। खान साहब क्या हो गया? ये तुम्हारा बिल्ली का करेक्टर ठीक नहीं है, कभी शेर कभी मगरमच्छ कभी बकरा। इस बिल्ली को समझाओ, अच्छे घर का बिल्ली ऐसा नहीं होता है। वो बिल्ली तो कब की मर गई। मर गया? अच्छा हुआ मर गया, वरना पूरा जंगल को जला देता। हाँ बात तो सही की आपने। ओए सही को छोड़ो, हमको बातों में नहीं लगाओ। ये बताओ चौकीदार का पैसा कब देगा? 3 महीने का बिल हो गया तुम्हारा तरफ। अरे खान साहब आपके पैसे तो मेरी जेब में पड़े थे लेकिन खर्च हो गए। किधर खर्च हो गए? वो जो बिल्ली मरी थी कफन दफन में तो इस्तेमाल हो गए। यार कैसा बिल्ली था, कुछ तो मरा, हमारा पैसा भी मरवा दिया। अच्छा आप बताए मैं क्या करूं? वे कुछ भी करना मगर आज के बाद ऐसा बिल्ली नहीं पालना। ठीक अभी हम जा रहे हैं, 2 दिन के बाद फिर आएगा पैसे लेने के लिए। 2 दिन के बाद फिर आएगा और देखे भी जा रहा है, क्या करूं? क्या था? काम पे लग जा भाई। हाय हाय हाय। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। दादा साईं आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे बाबा तेरे को तो मैंने तब देखा था जब तुम इतनी छोटी सी थी, अब मैं तेरे हाथ पीले करके ही जाऊंगा। नहीं दादा साहब मैं तो हाथ धो कर रही हूँ। अरे दादा साहब इसको समझाओ बाबा, ये शादी के लिए हानि करती है। अरे अब मैंने क्या किया है दादा साहब? अपनी तो कर ली, पहले बहन के बारे में सोचना था ना। और कुछ तो नहीं चाहिए? इधर आओ इधर आओ। नहीं नहीं अब मारोगे आप। बकवास मत करो, मैं सबसे बाबा प्यार से बातें करता हूँ ना। जानिए दादा साईं का स्टाइल है, स्टाइल। ये स्टाइल सीखा कहाँ से? दादी से, वो दादा साईं से ऐसे ही बात किया करती थी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब दादी का गुस्सा हम पे उतार रहे हैं। वैसे दादा साईं ये अचानक शहर कैसे आना हुआ? बाबा वो मैंने क्या है कि फैसला किया है कि मैं इस उम्र में अब शादी करूँगा। शादी? इस उम्र में शादी?
अब क्या हुआ? इस उम्र में शादी करने से बीवी अदब भी करती है और खिदमत भी करती है यार। मैं इसी बात पे चाय ले आता हूँ। बाबा ये लेकर जाओ ना। आप दादा सही आप खाएं खाएं। आप खाएं। ये भी खाएं ये भी खाएं। ये ये ये। तू जानी पता नहीं कहाँ चला गया। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कौन? आप सीमा है ना? मैं नुसरत आपकी पड़ोस में नहीं आई हूँ। अच्छा अच्छा, कल जो शिफ्टिंग हो रही थी वो आप लोगों के घर की हो रही थी? जी हाँ। ये हलवा मैंने सोचा आपको भी दे दूँ, इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चने की दाल का हलवा है, अपने हाथों से बनाया मैंने। अच्छा, घर में कोई दावत थी? हाँ, आज जुमेरात है ना, तो हम हर जुमेरात को ना हलवा बना के गरीबों में बांटते। लेकिन आपसे किसने कहा कि हम गरीब हैं? आपकी नौकर ने। क्या? हाँ, मैंने उससे पानी की बोतल मांगी तो कहने लगा कि हमारे पास तो फ्रिज भी नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर मैंने स्टूल मांगा तो कहने लगा आप स्टूल की बात करिए, हमारे पास तो कुर्सी भी नहीं है। बकवास कर रहा है, एक नंबर का काम चोर है वो तो। मैंने पत्ती भी मांगी थी तो कहने लगा मैंने तो एक महीने से चाय नहीं पी। ये सब कुछ आपसे उसने कहा? जी जी, उसी ने कहा। आप आए मेरे साथ, मैं अभी इससे चक्के पूछती हूँ। चले आ जाए। चले। हाँ हेलो। अच्छा आप हमारी तरफ देखोगे भी नहीं? अरे यार शौकत भाई जल्दी से बात बोलो यार, मैंने जाना है बाबा, काम है बहुत जरूरी। क्यों भाई, क्या साइकिल किराए पे लाए हुए? काम क्या है शौकत भाई? अरे भाई काम होता तो किसी काम के बंदे से बोलता, कोई तुमसे थोड़ी बोलता। अच्छा मतलब आपका मतलब है कि मैं काम का बंदा नहीं हूँ? अरे भाई अगर काम के बंदे हो तो फिर एक काम कर दो। क्यों नहीं बाबा, 20,000 रुपए चाहिए, तनख्वाह मिलते ही दे दूंगा आपको। अच्छा बाबा, और तनख्वाह कब मिलेगी? जब काम लगेगा। और काम कब लगेगा? जब मैं ढूंढूंगा। अरे बाबा, तो आप कब ढूंढोगे? जब मेरा दिल करेगा। तो आपका दिल कब करेगा? जब मैं काम के बारे में सोचूंगा कि करूँ तो क्या करूँ। अच्छा बाबा, एक काम है वो करोगे? हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तो शुरू से बैठती हूँ। अच्छा बाबा, आंधी कमाई है। अच्छा मजा आ जाएगा, काम क्या? बाबा दोनों आंखें बंद करो। कर ली बाबा। एक हाथ ऊपर उठाओ, उंगली ऊपर करो बाबा। हाथ ऊपर उठा के उंगली ऊपर कर। बाबा अब एक दूसरा हाथ खोल लो बाबा। दूसरा खोल लिया। शाबाश शाबाश बाबा। हाँ बाबा, और अब गली के 4 चक्कर लगाओ। और आपने बोलना ये है अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। अंधी कमाइए शौकत भाई, लगे रहो, शाबाश। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। अल्लाह। अरे भाई कहाँ चला गया? आजा, ये आ गया जे। अरे वाह भाई वाह, चांदनी भी लगती हो, चांद भी लगती हो। आपने उससे कुछ कहा? फूल खिल जाते हैं जब तुम हंसती हो। क्या? चेहरा तेरा गुलाब है, खुशबू है जुल्फें, गुलाब पे जो बैठती है वो तितली भी तुम हो। खूबसूरत, ये आपका अपना शेर है? बंदे का शेर है लेकिन गालिब ने पढ़ा था। कौन है आप? मैं मैं सनी हूँ, सनी। मैंने आपके पोते का नहीं आपका नाम पूछा है। पोता नहीं बाबा, ये हमारा नाम है सनी, सनी सनी सनी। अरे ये नाम तो बच्चों का होता है। मैं भी बच्चा ही तो हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा बच्चे में और बुढ़ापे में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है ना। वो कैसे? अरे बाबा बोला ना कि बचपन में बच्चे क्या करते हैं? बचपन में बच्चे फलते फूलते। हाँ तो बुढ़ापे में जगह जगह बूढ़े थूकते थूकते। बचपन में बच्चे नए दांत निकालते हैं। हाँ तो बुढ़ापे में बूढ़े पुराने दांत निकालते हैं। बचपन में बच्चों से प्यार किया जाता है, बुढ़ापे में जाने का इंतजार किया जाता है ना। क्या आदमी है आप, बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं। आओ आओ तुम इधर आना ना तुम। ये यही है ना वो जिसे सारी बातें कही थी आपसे? अरे वो सारी बातें तो मैं कब की भूल गई, इनकी बातें सुनी कुछ भी याद नहीं रहा। ये तो हमारे दादा है। खबरदार मैं दादा। अरे अभी भी पंजाल लड़ा हूं तो 5 मिनट की गिनती में गिरा दूंगा। मैंने सही कहा है ना?
अकेले बजाना, अकेले बजाना। बच्चू भाई मैं खुद जाके देखता हूँ। बच्चू भाई कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे भाई बच्चू दरीना, अरे भाई कोई है? जी बेग साहब क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ भाई खैरियत है भी और खैरियत नहीं भी है। क्या मतलब? अरे भाई मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं और तुम्हें पता ही नहीं है। अरे पुलिस आप और आप भला मुझसे पूछ रहे हो? अरे भाई पुलिस को भी तो आवाम का साथ देना चाहिए ना। आवाम भला पुलिस का साथ दे लेकिन तनख्वाह जो है वो आपकी जेब में जाए। अच्छा अच्छा ये बताओ कोई औरत हलवा देने आई थी? हलवा? हाँ मेरे घर का हलवा देकर गई है वो। आप भला क्या यहाँ पूरिया लेने आए हो? अरे नहीं भाई, वो औरत हलवा देने के बहाने आती है और घर को लूट के चली जाती है। अरे बाबा एक औरत आई तो थी लेकिन मैं खुद गेम खेलने में मसरूफ थी। तुम गेम ही खेलती रहना और कोई तुम्हारे साथ गेम करके चला जाएगा। अरे कोई ऐसे कैसे लूट लेगा, तुमने क्या हम लोगों को चरिया समझा है? और मैं वैसे भी ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। अच्छा फिर तो तुम्हें पुलिस में होना चाहिए था। क्यों भला पुलिस वालों को गिनती नहीं आती? अच्छा अच्छा छोड़ो इस बात को, वो जो औरत अभी अंदर आई है ना मुझे उससे मिलवाओ। क्यों बाबा? मुझे शक है। किस पर? खुद पर? खुद पर नहीं भाई, उस औरत पर। ओ अच्छा अच्छा चलो ठीक है भला आओ। हमारा शहर आने का मकसद पूरा हो गया। तो फिर आप अपनी अम्मी को हमारे घर का भेज रहे? अब वो कहाँ रहे भाई, मैं खुद ही अपना अब्बा और खुद ही अपनी अम्मा बन के आ जाऊंगा। गांव से आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आए? मुझे क्या पता था कि आप मिल जाओगी। अच्छा आप मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं मोबाइल निकाल लेता हूँ, मोबाइल में तुम्हारा नंबर मैं जो है ना डालता हूँ। हाँ। कितना प्यारा फोन है ये, काश ये मेरे पास होता। अरे आपसे बढ़कर कोई ये मोबाइल फोन है क्या? हाजिर है। ओए कितना प्यारा फोन है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। जैसे मेरे ही घर में है और क्या भाई, एक ही बात है तुम्हारे पास है या मेरे पास है। बच्चू ये दादा को कुछ समझाओ, बिल्कुल लड़कों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हलवा लेके आंटी आई थी उनके भी पीछे पड़ गए। अरे बाबा तो तुमने कुछ कहा नहीं। क्या कहे इनसे बच्चू, बात बात पे तो वो थप्पड़ मार देते हैं। क्यों जानी? सही कह रही है। अच्छा ऐसी बात है, चलो बाबा मैं देखता हूँ। कोई नहीं खैर। अरे जर कुछ तुमको चाहिए तो बता दो अभी के अभी, मंगा के दूंगा तेरे। अगर वो चार्जर मिल जाता और मिल जाएगा। अरे दादा साईं ये क्या हो रहा है? अरे बाबा हमने जो है ना शादी का फैसला कर लिया है ना। है? एक ही मुलाकात में? हो सकता है दादाजी के पास दो तीन दिन ही रह गए। नुसरत तुम यहाँ भी आ गई? ये कौन है, तुम्हारा भाई है क्या बाबा? अरे साले साहब कैसे हो तुम, ठीक तो हो? ये बड़े साहब कौन है? मैं इसका शोहर हूँ। हैं? ओ तो दोनों मियाँ भी मिलके चोरी करते हैं। अभी बताता हूँ। खबरदार खबरदार, तुम मुझे हाथ लगाया, इस काम के लिए लेडीज पुलिस को बुलाओ और मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। हटो यहाँ से। अरे बेग साहब वो तो भाग गई। कोई बात नहीं, असल मुजरिम तो फंस गया ना। अरे बेग साहब ये दादा साईं है मेरे। अरे ऐसे दादा मैंने बड़े देखे, चल थाने। अरे बाबा ये किधर गए बाबा?
अरे बाबा हो सकता है बेचारी दिन में सोती हो। अच्छा ये भी पता है? अरे नहीं बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता कौन है ये। लेकिन मैं पता लगा के रहूंगी कि ये है कौन। बच्चू भाई क्या हुआ ये बताए, जिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए कि नहीं? जिया? अब ये जिया कौन है? तुम तो कहते थे तुम जिया नाम की किसी लड़की को नहीं जानते। नहीं नहीं बाबा मैं नहीं जानता इसको। लेकिन मैं तो इनको जानती हूँ। ऐसा करो कि तुम फांसी लगा लो, उसके लिए ना पट्टी की जरूरत पड़ेगी और ना खून निकलेगा। देखा देखा जानी, ये दोनों तो चाहते ही यही है। हुआ क्या है? वो जिया ना अब घर तक पहुँच गई है। ये मेरी मंगेतर है। अच्छा बगेतर है जी, यानी कि कच्ची पक्की कभी भी बात खत्म हो सकती है। क्या मतलब? हाँ जरूर उसकी दोस्तों की, वो भी इसी तरह बदतमीज है। हाँ? तन्ने कैसे पता? परे गांव में हम दोनों बदतमीज मशहूर हैं। मैं भूरी बदतमीज, वो जरीना बदतमीज। बुरे इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए।